What's your name? My name is Nakul. Okay, nice to meet you. Noah. Okay. Yeah. Ram Ram ji. Welcome back to another interesting video. Hopefully you are all doing good. So, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं अभी उठा हूँ बिकॉज टुडे आई हैव टू गो कॉलेज. मेरी क्लास है आज और सुबह इतनी जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मेरी जो पहली क्लास है वो है 7:30 बजे, तो उसके लिए जल्दी निकलना पड़ता है नहा धो के, क्योंकि अब मेरे को मंदिर भी जाना है, खाना भी खाना है, ये सब भी करना है. इसके लिए इतनी जल्दी उठना पड़ता है क्लास वाले दिन. एंड अब और ट्रैफिक भी होता है क्योंकि उसकी वजह से क्लास में लेट हो जाता हूँ मैं. कहीं एक दो बार लेट हुआ हूँ मैं, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है. मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि अपने कॉलेज के अंदर का एक मतलब व्यू दिखा दूँ कैसा है अंदर से, तो इसी वीडियो में वही सब चीज़ें कवर करूँगा मैं. तो वीडियो को आखिरी तक देखना और जुड़े रहो वीडियो के साथ. ना लिए भाई, अब खाना वगैरह खाऊँगा पहले तो जल दूँगा ये राजा लात में सूरज देवता को, उसके बाद खाना वगैरह खा के निकलते हैं. एक बार मैं जल दे लूँ फिर आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें. ये मत सोचना कि सूर्य देवता को जल नहीं दिया, असल में वो दिखाई नहीं दे रहे थे. वो एक्चुअली मतलब थे, निकल तो रहे थे पर जहाँ मैंने फ़ोन रखा था वहाँ से वो एंगल नहीं पड़ रहा था कि वो दिख जाए. तो अब एक बार हनुमान चालीसा और पढ़नी है, उसके बाद खाना खाना है, फिर बाहर निकलते हैं और कॉलेज जाते हैं और रास्ते भी दिखाते हैं आपको कैसे हैं. जो भूपेंद्र जोगी भाई कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, तो अमेरिका की सड़कें भी डिस्कवर कर. तो भाई खाना वगैरह भी खा लिया है, अब चलते हैं कॉलेज के लिए एंड सब कुछ आपको आगे दिखाता हूँ मैं. अभी पहले निकल जाऊँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ. ठीक है, आपको रास्ते में दिखाता हूँ चीज़ें. भाई सूट टंग रहा है यूनिवर्सिटी में. तो भाई मैं सीधा क्लास में ही चला गया था क्योंकि लेट हो रहा था मैं थोड़ा सा. बाकी एक चीज़ है यहाँ पे, अगर ऐसा भी है भाई मतलब लेट भी हो रहा है तो सीधा जा क्लास में बैठ जाओ, ना कोई पूछता है. अपने वहाँ तो ऐसे लाइक अगर जाओगे लेट हो गए तो चाहे तो एंट्री नहीं करेंगे या दो चार सुनाएंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. और एक और चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है स्टडी में वहाँ की और यहाँ की में. अपने वहाँ सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं और कुछ नहीं. और दूसरा यहाँ ना, एक तो अगर ये नहीं सिखाते कि आपको किसी के नीचे जॉब करनी है या जो मन में आए वो करो, यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे अपना खुद का बिजनेस कैसे करो या आपको जॉब करनी है वो कैसे करो. और अगर किस लाइक अपने वहाँ सर मैडम करके बोलते हैं, हाँ ऐसा नहीं है, सीधा आप मिस्टर जो भी है, मिस्टर या मिस नाम लेके बोल सकते हो, बिल्कुल
बढ़िया ठीक कल्चर है इनका, बट आप कह सकते हैं अब हमको हमारे लिए तो नई चीज है, बाकी इनके हिसाब से सही है। अब मेरी अगली क्लास है वो है भाई 11 बजे, तो अब वो लगाऊंगा। अब मैं जाके एक बार लाइब्रेरी में बैठ जाता हूँ, अब यहाँ तो मेरा कुछ काम ही नहीं है। बाकी और थोड़ा दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी कैसी है। एक चीज़ दिखाऊँ मेरे को अभी कौन मिला है, रुको लो देखो। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। आज तो ना मतलब काफ़ी खाली खाली सी यूनिवर्सिटी, लगता बच्चे आए नहीं आज, और वीरवार को होती भी क्लासें कम है। मतलब ये लाइब्रेरी रही लो, पूरी लाइब्रेरी है देखो। आ गया हम लाइब्रेरी में, आगे बैठ गया। जब तक दूसरी क्लास नहीं लगती तब तक यहीं बैठना पड़ेगा। इतना खाली बैठा था तो मैंने सोचा कुछ करने का तो है नहीं, तो लेजेंडरी सॉन्ग सुन लेते हैं। लो भी देखो कौन सा गाना है। जस्ट किडिंग गाइस, हमको तो असाइनमेंट करना है। यहाँ और दूसरा यहाँ पे ना सारी चीज़ ऑनलाइन है, अब एग्ज़ाम नहीं होते हैं, मतलब टीचर के ऊपर बात है, अगर उसको लेना है तो ले भी सकते एग्ज़ाम। बाकी असाइनमेंट क्विज ही लेते हैं, एग्ज़ाम वग्ज़ाम नहीं लेते ज़्यादा, बट असाइनमेंट ही सबमिट होते हैं ज़्यादातर। लाइक मैं दिखाता हूँ, ये है तो मेरा है, इसमें देख लो ये कर रखे मैंने असाइनमेंट सबमिट, ऊपर ग्रेड दे रखे हैं इसने। What is this about? So my name is Noah. We're with an organization. It's called InterVarsity. Okay. And we're campus missionaries. We're Christian. Yeah. Yeah. So we're just asking people, because it is Valentine's Day, yeah. Kind of what they're looking for in a relationship. Like what would be like the word that you describe? And what was your name? My name is Napoleon. Okay, nice to meet you. Noah. Okay. Yeah, nice and name. He said loyalty. Yeah. Yeah. That's really cool. But yeah, we're having actually a meeting tonight on Thursday, and we're just gonna, you know, kind of come together, talk about, you know, Christ, the Bible, faith, all sorts of people come together. You don't have to be Christian. We just kind of hang out, you know, talk about different things. Okay, well, yeah, nice to meet you. I appreciate you. Thanks. Yeah, here's the card right here. Student union. So the student union that's right over there. Have a nice day. Yeah, nice to meet you, man. Take it easy. So, जोन सी वो क्लास थी मेरी वो तो कैंसिल हो गई, ईमेल आई अभी मेरे पे, और जो अभी रास्ते में मिला था ये, इसका मैं समझाता हूँ क्या सीन था। ये कुछ नहीं थे आज यहाँ पे, वो है यार 14 फरवरी है, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि भाई अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी फालतू की चीज़ें पूछ रहे थे। अपना थोड़ा कंटेंट लेके वहाँ से मैं तो आ गया, अब मैं जाऊँगा पेपर देने। बुला लिया मैंने, वही तैयारी पेपर की तैयारी कर रहा था बैठ के, तो अब पेपर देने जाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे बताऊँगा कैसा क्या है, कैसे आपको मतलब अपना लाइसेंस का एग्ज़ाम देना है, और चल के बताते हैं फिर। ये जो है ये मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, जो मतलब मेन है यूनिवर्सिटी का, बाकी ये सारी यूनिवर्सिटी पीछे तक है, और ये पार्किंग है यूनिवर्सिटी की। DMV में गया था लाइसेंस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बट उन्होंने एड्रेस प्रूफ मांग लिया। मेरे को लगा भाई I-20 से बन जाएगी बात, पर फिर उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाया है, अब कल को ही जाऊँगा वापस। बाकी अभी डाउनटाउन की तरफ आए थे, फ्रेश इसके फ्रेजनो के डाउनटाउन की तरफ, दिखाता हूँ ठीक है, मतलब देखना डाउनटाउन कैसा है यहाँ का, दिखाता हूँ लो। तो मतलब थोड़ा साफ सुथरा सा है फिर भी एरिया, बट वो देखो क्या कर रखे हैं इन्होंने, और भी दिखाऊंगा कि एक बार गए हैं यहाँ थोड़ा सामान लेने, उसके बाद जब निकलेंगे ना तब रास्ते में दिखाऊंगा कैसा डाउनटाउन है यहाँ का। जो अभी सुना ना आपने कि वीडियो टाइपिंग, वो जो मैंने अभी जूम करके लेडी दिखाई थी, होमलेस लेडी थी वो बोल रही थी, क्योंकि मैं तो डाउनटाउन को रिकॉर्ड कर रहा था, बट उसको फोर्सफुली मेरे पे ब्लेम करना था कि लाइक मैं उसकी बना रहा था, अगर मैं वहाँ कुछ भी सिचुएशन बन जाती मैं गाड़ी रोक लेता अपनी, तो वो सारी बात मेरे ऊपर आती कि मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और कुछ भी मतलब हो सकता था
मेरा एक सजेशन बताऊं तो जितना उसके ना इन होमलेस लोगों से दूर रहो, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले ही वो जॉर्जिया का केस सुना होगा, वो एक स्टूडेंट था उसके साथ क्या किया था होमलेस ने। एक तो ये होमलेस जो है ना नशे में रहते हैं, ठीक है, तो इनका कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या कर दें। इनसे जितना दूर रह जाए उतना दूर रहो, अपना ही फ़ायदा इस चीज़ में, इनके तो पास ही मतलब होमलेस लोगों के। तो पहुँच गए अगर सारा दिन जगह जगह माथा मार के अपना, अब और वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, तो ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना के, और अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।